मतलब फोर्सफुली निकालोगे तो बारिश ऐसे आके घुस के अंदर पीछे चिपक जाएगी। फिर अभी फाइनल फॉन्ट फाइनल है ना, फॉन्ट तो फाइनल है। आई जस्ट टोल्ड हिम थोड़ा सा लेफ्ट एडजस्ट करने बिकॉज़ इट एंड ना इज काइंड ऑफ गेटिंग लॉस्ट। फाइनली वी आर शूटिंग। बारिशों में साल शुरू होने से पहले वेट करते रहते हैं और इस बार तो हद पार हो गई। इतना वेट किया है फैंस ने और मैंने भी। इट्स 27th ऑफ जून और 3 दिन शूट करने वाले हैं हम लोग। आज पहला दिन है। बाइक गाड़ी सर को उतार के फिर बस आप रेडी हो? ठीक है ठीक है, चालू हो जाओ। नहीं थोड़ा टाइम फ्लेक्स करो अभी, है ना। हाँ Hands up. Good morning. Mind blown dosa. Dosa ज़्यादा तो चटनी खाते लाइक तो. Killer है killer. देखिए आप जाके कहानी में बहुत सारे blue hearts हैं हमारी blue family के लिए। क्या बात है। पंजाब के सुपरस्टार हैरी भी हैं। ये लुक के बाद जुबान में बताएंगे कि ये लुक इंस्पायर्ड कहाँ से। देख सकते हैं सब। क्या चेहरा इतना यंग है कि थोड़ा एज दिखाने के लिए मेहनत कर रही है। अपने लिए जल्दी से गर्लफ्रेंड ढूंढो वरना यही करना पड़ेगा तुमको पूरी जिंदगी। फ्रेंडशिप डे कितना गूज हो रहा फिर दुष्यंत तुम देख लेना मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ उसका एक वर्जन तुम भी करोगे। दुष्यंत हमने सुना है कि आप अपनी खुद की शादी में नहीं थे। अरे बेटा वीडियो कॉल पे था। चले वेट करते करते फिर बोर हो जाते हैं। बार भीगा हूँ मैं और अभी सिर्फ ओपनिंग और सिंगिंग हुआ, एंड तो बाकी है। वॉक करेंगे, सुपर टायरिंग, आंखें जल रही है मेरी। और बार भीगने का तो उसमें हालत टाइट हो जाएगी। एक बार मज़ा आता है, दो बार और मज़ा, सेकंड टाइम और अमेजिंग, थर्ड टाइम तो किलर होता है। फोर्थ के बाद इरिटेटिंग चालू हो जाते हैं। शॉर्ट्स गीले बारिश का तीर है कार वॉज अबाउट टू हिट यू और हल्का यू नो वी कैन नॉट द स्मोक रियली इज लिटरली द थिंग ऑफ हैप्पीनेस आई फाउंड हर एंड देन व्हेन शी रियली टेल्स द गाय लेट्स गो। It's 11-11, day 2. जो ये देखो खाली मन पलाड़वा माटे We'll be right back.
आपसे पूछा था कि बारिशों में आपको किसकी ज्यादा याद आती है, वो यही है ना। अच्छा कांग्रेचुलेशंस फॉर बर्बादी। ये मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है टू फाइट। अविश के साथ झगड़ा कर सकता हूँ, दुष्यंत के साथ कर सकता हूँ, और मुझे लगता है गुजराती में ज़्यादा अच्छा झगड़ा कर सकता हूँ। अच्छा ये मलमल की बात हो रही थी, मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई। डे 3 8:45 को हम आ चुके हैं, घर के बहुत करीब हैं। दो दिन से काफ़ी एक्टिव शूट रहा है, आज लास्ट डे है, आज 6 बजे पैकअप हो जाएगा। एक्चुअली इस गाने में जो जर्नी बताई अपने जैसी है कुछ, मैं भी शुरू में आई यूज टू परफॉर्म इन कैफेज एंड क्लब्स। मेकिंग कर रहे हो ना? या क्योंकि मैं इस बार बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हद से ज़्यादा, हमको लगा 3 दिन का शूट है तो आराम से होगा, सब थोड़ा थोड़ा करेंगे। Back to suit look. गाने की जान तो इधर बैठी है, गाने की शान इधर बैठी है। ये देखो शायर के सामने जीतना मुश्किल है। Because the vlog is about to end, और जब तक ये vlog आएगा तब तक गाना आ चुका होगा, तुमने गाना सुन लिया होगा कि शायद नहीं कहा है टूट जाए जो रिश्ते लाजमी तो नहीं, लाजमी था नहीं कि मोहब्बत हो दिलों से खत्म। What was your journey to write this song? कि ये गाना से मेरी अकेली की जर्नी नहीं है, ये हम दोनों की जर्नी है, उस टाइम की जर्नी है जब हम दोनों बहुत दूर दूर बैठे हुए थे। आई वॉज इन चंडीगढ़ एंड यू वर इन बॉम्बे, तो लॉकडाउन के टाइम पर ही इसकी मेलोडी बनी बना के और मैंने व्हाट्सएप किया था। आई थिंक तब से गाना बनना शुरू हुआ था, एंड देन वी हैव लिव्ड द सॉन्ग। आई थिंक देयर आर बहुत बहुत से मेलोडी में भी और लिरिक्स में भी बहुत से जिंदगी के रियल एक्सपीरियंसेस हैं। ऑफ कोर्स इन दिस सॉन्ग आल्सो, जैसे जो पहली दो लाइन भी लिखी गई, इतना तेरा इंतजार किया दिल को खफा 100 बार किया, तो ऐसा लगता है कि शायद ये मेलोडी के लिए ये दो लाइन ही परफेक्ट है, मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो नहीं होता कि एक जो स्कल्पचर तो बोलते हैं क्या इंग्लिश में, स्कल्पटर बोलते हैं ना, उसको दिखता है अंदर क्या है, वो बाहर नहीं दिखता, बाहर इज जस्ट द स्टोन, बट ही नोज़ व्हाट। ये कहते हैं कि मैं शायर हूं। अच्छा थोड़ा बहुत, हम तो आजकल के वो बनावटी शायर नहीं, पर ये बात मैंने पहली बार सुनी किसी से कि स्कल्पटर को दिखता है कि अंदर क्या है पत्थर। वाह, पहले यू आर रेडी, वी आर रेडी फ्रॉम 2 इयर्स।